अब एक एक्वायर्ड मेम्ब्रेन डिफेक्ट था जिसको बोलते थे हम क्या चीज, पैराक्सिस्मल नॉक्शनल हीमोग्लोबिन यूरिया। तो इसको हम लोग थोड़ा डिकोड करते हैं। पैराक्सिस्म का मतलब क्या होता है? ऑन एंड ऑफ। नॉक्टर्नल मतलब ये रात में ज्यादा होता होगा तभी ना, मतलब या तो होता होगा या नोटिस किया गया होगा अर्ली मॉर्निंग, तो बोला होगा कि रात में हीमोलिसिस हो गई इसलिए सुबह अपियर हो रहा है। ये चीज याद रखेगी, ये सेंटेंस याद रखेगी। हीमोग्लोबिन यूरिया मतलब हीमोग्लोबिन इन यूरिन, इसका क्या मतलब हुआ? किस तरह का लाइसिस हो रहा होगा, एक्स्ट्रा वेस्कुलर की इंट्रावेस्कुलर? प्रीडोमिनेंटली इंट्रावेस्कुलर। तो खाली हमने पैराक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया से हमने तीन इन्फ्रेंस बताए। पहला इज पैराक्सिज्म है मतलब ऑन एंड ऑफ हो रहा होगा। नॉक्टर्नल है मतलब अर्ली मॉर्निंग कोई ना कोई फीचर इसमें नोटिस किया गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने एक्यूट अटैक में क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था कि 2-3 घंटे बाद अपियर होता है, तो मतलब रात में होगा तो सुबह अपियर होगा, यही तो मतलब हुआ। और हीमोग्लोबिन यूरिया का क्या मतलब है? इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस। अगर इतना याद है तो पासिंग मार्क हो गया, अब आगे इनरिच करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने रेफरेंस वाले क्लासिफिकेशन में जाते हैं। कहां पे था ये? यहां पे लिखा था इनहेरिटेड एक्वायर्ड, एक्वायर्ड में इंट्रा कार्पस्कुलर ना, उसमें था पीएनएच। ओके अच्छा, अगर ये इंट्रा कार्पस्कुलर में है तो दो ही चीज थी, या तो सेल के अंदर आरबी वो इंजाइम में हीमोग्लोबिन था, या ऊपर मेम्ब्रेन थी, है ना। तो ये मोस्ट प्रोबेबली मेम्ब्रेन डिफेक्ट होगा, तो इसका मतलब हम लोगों को मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर रिकॉल करना पड़ेगा। मेम्ब्रेन हम लोगों ने याद किया था ना कि लिपिड बायलेयर होती है, उसमें एक प्रोटीन होती है जो आर पार जाती है ना, जिसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते थे। उसका एक साइटोसोलिक डोमेन होता था, एक एक्स्ट्रा सेलुलर या साइटोसोलिक या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, और एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन का कुछ चीजें लगी होती थी, ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे होते थे जिससे ब्लड ग्रुप डिसाइड होता। एक तो ये मेजर प्रोटीन्स थी, और उस दिन याद भी किए थे जो बैंड 3 था वो मोस्ट कॉमन डिफेक्ट, मतलब मोस्ट कॉमन मोस्ट प्रेवलेंट थी, इसलिए बैंड 3 से तीनों तरह की चीजें होती थी, चाहे वो स्पीरोसाइटोसिस हो चाहे वो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स थी जिसका खाली एक ही डोमेन था, वो बाहर की तरफ से चिपकी हुई थी, और जिससे चिपकी हुई थी उसका नाम था जी पी आई, है ना। अच्छा, यही तो फोटो पढ़ा था, ये बैंड 3 मोस्ट प्रेवलेंट था, और इस पे ये सब ले रहे थे ये एंटीजेंस पे जो ब्लड ग्रुप डिसाइड करते थे, है ना। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोटीन्स थे जो ऊपर से लगे हुए थे, नहीं कहा गया, हाँ ये अटैच थे बाहर से, ये एक कुछ डायमर था उसके थ्रू ये अटैच थे, नहीं, इसका नाम था जीपीआई, उसी तरह स्टाइल को एंजाइम भी ऐसे ही था। तो ये CD59 और CD55 हमने जब पढ़ाया था तो बोला था याद रखिएगा इसका यूज होगा कहीं ना कहीं, तो CD55 और CD59 याद रखिए। अच्छा मानिए, अब अगर यही दो चीज है जो इसमें नहीं होती है, मतलब इसमें डिफेक्टिव होता है, अब कैसे ये नहीं हो सकता है? दो चीजें हो सकती है, या तो CD59 CD55 ही ना बने, या फिर ये हो सकता है कि ये जो है ना GPI लिंकेज जो इसको अटैच कर रहा है ये ना बने। अच्छा, ये नहीं बनेगा तो CD55 59 अटैच नहीं हो पाएगा, यानी लॉस हो जाएगा, यानी CD59 CD55 जो काम कर रहा होगा अब नहीं हो पाएगा, यही तो हुआ मतलब इसका। अच्छा, तो जो इसमें डिफेक्ट होता है वो CD59 और CD59 निगेटिव हो जाते हैं, मतलब नहीं होते है। लेकिन ये डिफेक्ट इनके म्यूटेशन की वजह से नहीं होता, म्यूटेशन होता है ग्लाइकोसिल फास्फेटिल आइनोसिटॉल लिंक, जो ये एंकर है ना जीपीआई एंकर, इसमें प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये बताइए, अगर ये जो ये नहीं बनेगा तो ये दोनों तो नहीं रहेंगे, तो ऐसे आरबीसी को हम अगर लेबल करना चाहें तो अगर CD59 अगर लगाएंगे इसको स्टेन कर, मतलब इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे, तो CD59 पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा? निगेटिव आएगा। तो जो इनमें म्यूटेशन होता है ना वो जीपीआई एंकर का होता है, ठीक है, और जीपीआई एंकर में भी एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक ये भी एक्स लिंक्ड है, अभी तक हम दो जेनेटिक्स पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये भी इंट्रा कार्पस्कुलर है तो जेनेटिक होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि ये तो एक्वायर्ड हमने बोला, मतलब ये जो म्यूटेशन हो रहा होगा वो
ऐसे म्यूटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटिक म्यूटेशन बोलते हैं। मतलब एम्ब्रियो में नहीं था, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब बेबी डेवलप हो रहा था तो उस समय क्या हुआ, कोई जीन का साइलेंसिंग हो गया, तो उसको हम लोग सोमैटिक म्यूटेशन बोलते थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बायोकेमिस्ट्री में सोमैटिक म्यूटेशन। तो ये एक्स लिंक सोमैटिक म्यूटेशन होता है, एक्स क्रोमोसोम पे इसका जीन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पिग ए जीन। अगर सीधा सीधा आता है पिगा जीन, याद रखिएगा पिग ए याद करने से पिगा जीन, ठीक है। ये किसको कोड करता है, ये पिगा, ये पिग ए है, बट पिगा याद रखेंगे तो मतलब इजी होगा मुझे लगता है, बाकी आप लोगों को जैसे भी। तो ये एक्चुअली इनकोड करता है जीपीआई एंकर को, और ये एक्स लिंक्ड होता है, ठीक है। ये दो चीजें याद हो गई। तो अगर ये म्यूटेंट हो जाएगा तो ये एंकर नहीं बनेगा, तो ये दोनों चीजें लॉस हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी इसी बात पे डिपेंडेंट है। अच्छा ये बताइए, कोई सोमैटिक म्यूटेशन होगा तो मान लीजिए जब एम्ब्रियो फोर सेल स्टेज पे था तो एक में म्यूटेंट हो गया, तो तीन में तो अभी नॉर्मल रहेगा ना भाई, तीन में नॉर्मल रहेगा, तो इस एक एम्ब्रियो के इस सेल से जितनी सेल्स बनेंगी सब में ये एब्सेंट होगा, यही ना, और बाकी तीन सेल से जो बनेंगी उसमें तो नॉर्मल होगा नहीं। तो ऐसे को मोजाइक पैटर्न बोलते हैं, जो सोमैटिक म्यूटेशन पे एनीवे कॉमन होता है। यानी अगर आप CD59 एंड CD55 पॉजिटिव या नेगेटिव सेल कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं, अभी आगे बताएंगे कि क्या कर सकते हैं, उसको कुछ इन्वेस्टिगेट करके देखेंगे ना कि पॉजिटिव नेगेटिव में सॉर्टिंग करनी होगी। हीमोग्लोबिन में हम लोग साइटिंग पढ़े थे कि कैसे अलग अलग करना है मेथड। तो अगर हम नॉर्मली भी देखेंगे तो हर आदमी में कुछ ना कुछ मिलेगा जिसमें सोमैटिक म्यूटेशन होगा, यानी जो लो लेवल म्यूटेशन सब में ही होता है मोरले। इसका इम्प्लीकेशन आगे बताएंगे कि क्या होता है, बट याद रहेगा ये चीज, क्या याद रहेगा, CD59 CD55 याद रहेगा, दो चीज पिगा जीन याद रहेगा, जीपीआई एंकर याद रहेगा, एक्स लिंक सोमैटिक म्यूटेशन याद रहेगा, ये तीन चार चीज याद रहेंगी ना, और नाम से हम लोगों ने याद कर लिया। अच्छा इसके अलावा मैं चाहता हूं कि आप लोग एक ट्रायड याद कर ली, अगर आपने एक्स लिंक सोमैटिक दो एक चीज जीपीआई एंकर CD59 एंड CD55 और एक ट्राइड याद कर लिया तो समझिए ये खत्म हो गया। अब ट्राइड क्या होगा बताइए, इसमें हीमोग्लोबिन यूरिया आ रहा था ना, तो इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस एक पार्ट हो गया, दूसरा पैनसाइटोपिनिया, और तीसरा थ्रोम्बोसिस, तीन चीज याद रखिएगा। तो हीमोलिसिस फर्स्ट, सेकेंड इज पैनसाइटोपिनिया, और थर्ड इज थ्रोम्बोसिस, ये तीन चीज याद रहेगा तो हम इसका क्लिनिकल फीचर लिख लेंगे, इजी है। चलिए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। अब ये पैथोफिजियोलॉजी इसका देख लीजिए, एक्चुअली क्या होता था, अब पैथोफिजियोलॉजी लिखिएगा नहीं, मैं लिखवा दूंगा अभी, मतलब लिखवा देता हूं, ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट कुछ है नहीं। देखिए ये CD55 एंड CD59 आरबीसी के ऊपर लगा हुआ है। अच्छा एक जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना C3, ये जब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है तो लास्ट में मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, आरबीसी के अंदर इंसर्ट होकर इसकी हीमोलिसिस कराएगा। CD59 एंड CD55 क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट को इनहिबिट करते हैं, तो अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाएगा नहीं और हीमोलिसिस हो जाएगी। अच्छा अच्छा C3 में दो पार्ट होते हैं ना, ए मतलब एक्टिव, बी मतलब दूसरा वाला, तो C3B क्या होता था, जाके ऑप्शनाइज हो जाता था नहीं, और जहां ऑप्शनाइज हो जाएगा तो जैसे ही वो स्प्लीन के अंदर से जाएगी, स्प्लीन डिटेक्ट कर लेगी, अरे ये तो कुछ गड़बड़ है, उसको ग्रेवयार्ड में दफना दिया जाएगा, यही तो होता था। यानी इसमें एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस भी हो रही होगी, है ना, बट प्रीडोमिनेंटली इंट्रावेस्कुलर, इतना याद रहेगा। तो अब हम इसका पैथोफिजियोलॉजी लिखने के लिए इसको टेक्स्ट में लिखिए, फिगर मत बनाइए, फर्स्ट लिखिए म्यूटेशन इन, लिख लीजिए म्यूटेशन इन पिगा ए, मतलब पिग ए जीन, ऐसा एरो बना दीजिएगा, लीड्स टू म्यूटेशन इन जीपीआई एंकर, जीपीआई एंकर, ठीक है। उसके आगे एरो बनाइए, लॉस ऑफ CD59 एंड CD55, ठीक है। अब
CD59-55 को ऐसा ब्रैकेट में या किसी चीज में लिख के और ऐसा एरो बना के लिखिए इसका काम. CD55 and 59 inhibits complement activation. अब दूसरी तरफ उसमें ब्रैकेट बना दिया, अब इसको बना लीजिए, अब आगे एरो लिखिए. Loss of CD59 and 55 leads to increase in complement activation उसके आगे लिख दीजिए MAC membrane attack complex के नीचे एरो बना के लिखिए. membrane attack complex के आगे एरो बना के लिखिए lysis of RBC ब्रैकेट में लिख दीजिए intravascular ठीक है. ओके ये समझ आ गया. अच्छा अब मैं चाहता हूं कि वापस से एक लो जरा डिसाइड करिए, फिर बताते हैं कहां ब्रांच होना. हमने लिख दिया CD55 CD59 एब्सेंट है तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो गया तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन गया. ओके अब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हुआ जहां से लिखा है ना आपने कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, एक दूसरी ब्रांच बनाई साइड में छोटी ब्रांच, छोटा छोटा लिखिएगा C3B ऑप्शनाइज ओवर आरबीसी. ऑप्शनाइज हो गई ना, ऑप्शनाइज ओवर आरबीसी. तो अब क्या होगा ये आगे लिखिए, एरो बनाइए. गोज टू आरबीसी, वो गोज टू स्प्लीन एंड ये स्प्लीन में क्या हो जाएगा हीमोलिसिस. इसके नीचे लिखिए ब्रैकेट में एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस. इसको छोटा छोटा लिखेगा, ये माइनर कंपोनेंट है. इसका क्या इंप्लीकेशन है मैं अभी बताऊं. ठीक है तो इसका पैथोफिजियोलॉजी हो गया. अच्छा अब इस पैथोफिजियोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस तो वहां फटाफट ऐसे ऐसे एरो बना के सब फीचर्स लिख दीजिए. बिलरुबिन मॉडरेट राइज, LDH डिक्रीज, हेप्टोग्लोबिन डिक्रीज या एब्सेंट, हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोसिड्रिन यूरिया, LDH बढ़ा हुआ होगा. समझ गए. एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस के आगे छोटा छोटा लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, बिलरुबिन बढ़ेगा, LDH मॉडरेटली राइज होगा और क्या होगा, हेप्टोग्लोबिन मे बी नॉर्मल. वैसे कंडीशन में इसमें प्रीडोमिनेंटली इंट्रावेस्कुलर हो गई. स्प्लीन है ना, गॉलस्टोन. तो ये याद रहेगा पैथोफिजियोलॉजी में. इस फोटो को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान इसलिए रखिएगा कि ये देखिए, ये बस याद रखिएगा C5. अगर हम इस C5 को इनिबिट कर दें, हमारे पास है एक मॉलिक्यूल इकोलिजुमैब, नहीं इस C5 को इनिबिट कर देंगे तो ये नहीं बनेगा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, यानी हम एट लीस्ट इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस को रोक सकते हैं. तो उसको अभी हम रोक पड़ेगा. अब क्लिनिक जरा इसमें थ्रोम्बोसिस क्या होता है. अच्छा कुछ प्लेटलेट्स भी तो होंगी क्योंकि इसमें सभी सेल लीनियज अफेक्ट हो रही है ना, तो प्लेटलेट में क्या होता है थ्रोम्बोसिस का मैकेनिज्म लिख दीजिए. प्लेटलेट की वजह से क्या होता है, सम प्लेटलेट्स आर CD59 नेगेटिव, इट लीड्स टू अबनॉर्मल प्लेटलेट एक्टिवेशन. और प्लेटलेट एक्टिवेट होती है तो क्या करती है, जितना भी सेल में आसपास फाइबर वाली चीज होती है सब अपने पास खींच ले, कोगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट हो जाएगा और थ्रोम्बोसिस हो जाएगा. चलिए भाई जरा क्लिनिकल फीचर हमें बता दीजिए. इसमें हीमोलिसिस हो रहा है, नहीं हीमोलिसिस फीचर है ना. अच्छा हमने एक चीज बताई थी आप लोगों को, बोला था कि इसका नाम क्या है, पैराक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया, यानी रात में हीमोलिसिस हो रही होगी तो सुबह हीमोग्लोबिन पास करेगा यूरिन में तो पेनलेस हिमेचुरिया होता है ऐसे मरीज को. तो रात में सुबह बोलेगा कि पेशाब की जगह खून आ गया, पेशाब में मतलब पेशाब ही नहीं आई, पेशाब की जगह खून आया, ऐसा मरीज इसमें वो करता है कंप्लेन. तो ये एक फ्रेज है कि पास ब्लड इंस्टीड ऑफ यूरिन. तो कभी भी आपको एमसीक्यू में मिलेगा कि एक 25 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंटेड ऐसे ऐसे, फिर वन डे ही नोटिस ब्लड इन अर्ली मॉर्निंग, ही नोटिस ब्लड इन यूरिन. तो अगर जैसे ही या पास
ब्लड इंस्टीड ऑफ यूरिन, ऐसा फ्रेज आते ही आप समझ जाएंगे कि किसकी बात कर रहा है, पीएनएच की, है ना। बट पूरा पढ़ लीजिएगा, हो सकता है उनसे पूछा हो कि आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, मतलब ये मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होने में गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, हम लोगों ने ट्रायड याद किया था, नहीं, इस ट्रायड से हम क्लिनिकल फीचर डिराइव कर लेते हैं। जितना हम लोग अपने प्रीवियस नॉलेज को लगाएंगे उतना आसानी होगी। तो चलिए बताइए, हीमोलिसिस, हीमोलिसिस में क्लिनिकली क्या प्रेजेंट करेगा भाई? एनीमिया, जॉन्डिस, और इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस है तो यूरिन में हीमोग्लोबिन, उसके लिए हमने फ्रेज ऊपर अच्छे से लिख लिया। दूसरा पार्ट था पैनसाइटोपिनिया, तो पैनसाइटोपिनिया में तो तीनों सेल लीनिएज गया, तो अनीमिया हो जाएगा, तो एनीमिया क्लिनिकल फीचर लिख देंगे, ईजी फैटिगेबिलिटी, लॉस ऑफ स्टेमिना, पैलर, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ल्यूकोपीनिया होगा तो क्या मिलेगा? इंफेक्शन, इंक्रीज रिस्क ऑफ इंफेक्शन होगा। ओके, थर्ड इज प्लेटलेट डिक्रीज होगा, तो प्लेटलेट डिक्रीज होगा तो हेमरेज, है ना, पेटेकियल हेमरेज मिलता है, एकाइमोसिस हो सकता है, या फिर अगर दिमाग में बात हो स्ट्रोक, नहीं हेमरेजिक स्ट्रोक। अच्छा, तीसरा क्या था? ऐसे पेशेंट में थ्रोम्बोसिस होती थी। अच्छा, पेट में थ्रोम्बोसिस होगी तो क्या होगा भाई? पेन एब्डोमेन, नहीं, गट इसीमिया होगा ना, तो पेन एब्डोमेन हो जाएगा। अच्छा, एक जगह थ्रोम्बोसिस होती थी उसके बर्ड चियारी सिंड्रोम बोलते थे, अगर हेपेटिक वेन में थ्रोम्बोसिस हो जाती थी तो बर्ड चियारी सिंड्रोम बोलते थे, यानी बर्ड चियारी सिंड्रोम की तरह भी ये पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, और कहीं होगा, पैर में हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? डीबीटी, नहीं, यानी प्रीडोमिनेंटली वीनस थ्रोम्बोसिस हो गया, यही मैसेज है, मतलब लाउड एंड क्लियर, वीनस थ्रोम्बोसिस। तो कभी क्वेश्चन आया कि आर्टेरियल की वीनस तो क्या लगाएंगे? वीनस, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर तो अच्छे से लिख लिए, कुछ नहीं याद किया, खाली तीन वर्ड याद किए, क्या चीज? हीमोलिसिस, पैनसाइटोपिनिया एंड थ्रोम्बोसिस। अच्छा, एक चीज नोटिस किया आप लोगों ने, पेशेंट कैन डेवलप थ्रोम्बोसिस एज वेल एज हेमरेज, नहीं, सेम टाइम, वैसे भी होता है, डीआईसी में होता नहीं है, कंजम्पशन का एंग्लोपैथी। तो याद रहेगा क्लिनिकल फीचर, तो तीन ट्रायड से याद रहेगा, हम लोग लिख लेंगे। लैब फाइंडिंग जरा बता दीजिए भाई, क्या होगा बताइए? इसमें तो सेम चीज ना, इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस हो रहा है, तो उसमें तो कोई याद ही नहीं करना है। इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस के जितने क्लिनिकल फीचर लैब फाइंडिंग्स होंगी वो लिख दीजिएगा, जो याद करना है वो क्या करना है, डेफिनेटली प्रोग्नोसिस कैसे बनता है। इजी है, हम ऐसी सेल को डेमोन्स्ट्रेट कर लें जिसमें CD59 या CD55 ना हो, और उसको करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लो साइटोमेट्री करते हैं, नहीं? अच्छा, इसमें बेसिक मैकेनिज्म क्या था? कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होने की वजह से हीमोलिसिस हो गया, नहीं? तो हम कुछ मेथड तो ऐसे कर सकते हैं ना जिससे हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाए कि कॉम्प्लीमेंट के लिए एक्सेसिवली ये लोग प्रोन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हैम टेस्ट करते हैं। कूम्स के लिए एंटीजन एंटीबॉडी है, दूसरा चीज है, कूम्स तो निगेटिव होगा इसमें क्योंकि ये नॉन इम्यून है, तो हैम टेस्ट बोलते थे, इसमें एसिडिफाइड सीरम मिला देते थे, हीमोलिसिस हो जाती थी, देख लेते थे। दूसरा, सुक्रोज हीमोलिसिस हम लोग करते थे लैब में, अगर याद हो पैथोलॉजी लैब में, बट कितने लोगों को याद होगा, भगवान जाने। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते। अच्छा, ये क्या है? ये यूरिन सैंपल है, ये पेशेंट का ना, क्योंकि ये जो इसमें हीमोग्लोबिन यूरिया होता है वो रैपिडली चेंज होता है, हर घंटे में चेंज हो सकता है, हो सकता है कि सुबह एकदम बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन यूरिया हो और चार घंटे बाद क्लियर यूरिन हो जाए, तो ये यूरिन सैंपल है, ये कुछ नहीं। अच्छा, ये जो है ना, ये फ्लो साइटोमेट्री जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, तो एक चीज याद रख लीजिएगा कि फ्लो साइटोमेट्री के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, इट इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिंग पीएनएच, और इसमें दो चीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया ना कि थोड़ा बहुत सब में होगा, ये मैकेनिज्म है, क्योंकि इनमें इसीलिए प्लास्टिक एनीमिया होता है इन मरीजों में, पीएनएच ए सिंड्रोम बोलते हैं, मतलब अभी पढ़ लेंगे। तो एटलीस्ट 5% ऑफ आरबीसी शुड बी CD59 नेगेटिव, और कम से कम 20% ऑफ टोटल ग्रैनुलोसाइट नेगेटिव होना चाहिए। तो 5 और 20 याद रखिएगा, कैसे याद रहेगा? CML हम लोग याद करते हैं ना, CML उसमें 20% एक क्राइटेरिया है, और एक 5 क्राइटेरिया, जो लेस देन 5% जनरली होती है, अगर 20 के ज्यादा हो जाती है तो उसको हम AML बोलने लगते हैं, CML की जगह, है ना। तो मतलब कहीं से लिंक करके डेटा याद करना है, 5 और 20, आरबीसी में 5% से ज्यादा आरबीसी होनी चाहिए, और ग्रैनुलोसाइट जो है उसमें कम से कम 20% CD59 नेगेटिव होनी चाहिए। और ये कैसे पता चलता है? फ्लो साइटोमेट्री का रिपोर्ट ऐसा आता है। इसमें कुछ दिख रहा है क्या? इसमें देखिए रेड कलर से लिखा हुआ कि जो टोटल डेफिशिएंट आरबीसी है वो लगभग 54% है, मतलब इसमें डायग्नोसिस बन गया, ये पीएनएच का फ्लो साइटोमेट्री का रिपोर्ट ऐसा दिखता है। अच्छा, अभी दो टेस्ट और थे जो दो अब यूज नहीं होते हैं, बट एनीवे, एक तो हैम टेस्ट था,
हैम टेस्ट याद रखिएगा, हैम टेस्ट किसके लिए यूज होता है, पीएनएच के लिए, ऐसे याद रहेगा, या फिर सुक्रोज हिमोलिसिस टेस्ट। अच्छा ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट किसके लिए यूज होता था, फेरोसाइटोसिस। तो एक्चुअली हैम टेस्ट में कुछ नहीं करते, एसिडिफाइड सिरप होता, सिरम होता है जो पेशेंट के आरबीसी से मिला देते हैं और लाइसिस हो जाती है तो पीएनएच है। सेम है कि जो सुगर वाटी हम शेयर कर देंगे, इसमें कुछ करना नहीं है, पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो हम ऐसे ही लगा लाए कॉपी पेस्ट पर। तो पेशेंट का आरबीसी और कंट्रोल सीरम लगा दिया, और अगर लाइसिस हो जाएगा तो मतलब ये कम्प्लीमेंट फिक्सेशन से ज्यादा जल्दी हो रहा है, क्योंकि CD59-55 होगा तो इनहिबिट कर देगा कम्प्लीमेंट फिक्सेशन। ओके इजी। चलिए ट्रीटमेंट का बात करते हैं। तो अभी हमने एक बात कही थी ना कि CD59 and 55 ये क्या करते थे, कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन को रोकते थे। तो हम ऐसा करते हैं कि कम्प्लीमेंट को ही इनहिबिट कर देते हैं, न रहेगा बांस न रहेगी बजेगी बांसुरी। तो हम CD55 का ये जो कम्प्लीमेंट 5 है उसका एक इनहिबिटर ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, उसका नाम है इकुलिजुमैब। अच्छा इकुलिजुमैब, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए इकुलिजुमैब जो होता है वो CD5 को इनहिबिट कर देगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। अपना जो हम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी लिखी वापस जाइए, अगर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो एटलीस्ट इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस खत्म हो जाएगी, मतलब अवॉइड हो जाएगी, तो पेशेंट रिलेटिवली ठीक हो जाएगा। बट इसका क्या एक घाटा होगा, मतलब अभी एक चीज हम नहीं रोक पाएंगे। अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ पे हम रिएक्शन रोकें तो इसके पहले की तो रिएक्शन चल रही होगी, यानी C3B तो बन रहा होगा, यानी ऑप्शनाइज तो हो रही होगी आरबीसी, यानी एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस अभी भी होगी, बट बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब एक्यूट जो हिमोलिसिस हो रही थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, तो नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत कम हो जाएगा, पेशेंट जो फिजिकली फिजियोलॉजिकली बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। ओके अब इकुलिजुमैब का वहां पे 900 डोज था, इसमें 600 डोज होता है 600 mg। अच्छा इकुलिजुमैब के लिए डोज नहीं याद रखेंगे तो एटलीस्ट इतना याद रखिए कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम IV देते हैं, IV, और जनरली डोज वीकली होती है। तो दो चीज याद रखें, IV एटलीस्ट याद रख लीजिए और वीकली डोज देते हैं, एटलीस्ट याद रखें दो। इसमें जो डोज होती है वो 600 mg हर वीक में देते हैं, 4 हफ्ते तक, 5वें हफ्ते में 900 mg देते हैं, उसके बाद 900 mg एवरी 2 वीकली देते हैं। और अच्छा ये बताइए डिफेक्ट खत्म हो जाएगा क्या, डिफेक्ट खत्म हो जाएगा इकुलिजुमैब, नहीं होगा ना, तो कब तक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग। B12 डेफिशिएंसी में कब तक ट्रीटमेंट देना होता था, लाइफ लॉन्ग, नहीं तो हाँ हाँ बस। अच्छा दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर सिबलिंग है उसका, यंग पेशेंट है और सीवियर पीएनएच है और उसका कोई सिबलिंग है, मतलब चलिए मैं सिबलिंग है तो आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दीजिए, तो निगेटिव सेल पॉजिटिव सेल से रिप्लेस हो जाएगी, नहीं यानी कंप्लीट क्योर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से ही किया जा सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, सिबलिंग अवेलेबल नहीं है, इकुलिजुमैब बहुत कॉस्टली है ना, तो क्या कर सकते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट, बहुत सारे को यही बस जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़े तो क्या देंगे, फोलिक एसिड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यही तो ये मुझे लगता है। अच्छा एक पीएनएच AA सिंड्रोम होता है, एप्लास्टिक एनीमिया पीएनएच वालों में हो जाता है, क्योंकि यही है CD59 वाले जो है वो लाइसिस हो जाएंगे ना सब, तो जो सब सेल लिनियज कम हो जाएंगे, सब सेलियनल एप्लास्टिक एनीमिया जिसको बोलते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, ऐसे में एप्लास्टिक एनीमिया का ट्रीटमेंट में क्या करते थे, एंटीथायमोसाइड देते थे प्लस साइक्लोफोस्फामाइड, बट इक्वली जो मैं बैबर कर देंगे तो पीएनएच भी इसमें, बट एनीवे ये तो हम लोग पढ़ेंगे अभी जब प्लास्टिक एनीमिया पढ़ेंगे, ठीक है। अब और जरा इक्वली जो मैं और जरा वो बताइए हमको यूजेस, तो चलिए जरा इक्वली जो मैं आपके जरा यूजेस लिखिए इसके अलावा, तो क्या अभी तो दो यूज हम लोगों ने पढ़ लिया, फर्स्ट इज अभी पढ़े ना थोड़ी देर पहले क्या एटिपिकल HVS, दूसरा इज तीसरा मायस्थीनिया ग्रेविस, चौथा एक चीज होती है न्यूरोमायलाइटिस ऑप्टिका। MS पढ़ेंगे जब हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो उसमें एक पढ़ते हैं NMOSD, मतलब न्यूरोमायलाइटिस ऑप्टिका स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उसमें देखते हैं।